वेलकम जी वेलकम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अंकल जी मेरे पापा बैग लगा थे, आप बैग लगाओगे? ओए चुप करो, चाचा चाचा जा बाहर खेल जा, बच्चा है जी बच्चा है। और जो ओए एक मिनट, क्या कर रहा है? ओए किसने किया ये? ओए सिलेंसर पाओ पुत्र, सिलेंसर। किसने किया ये? ले पाजी मैं नहीं कीता। पाजी ये राजपीरत का लागत है, उससे लूज मोशन हो गवा, इसलिए इत्थे उत्थे करती घूम रही है। राजप्रीत? हाँ जी साड़ी मज है जी, 10 लीटर दूध देती है, बड़ी प्यारी चीज है, इसका नाम इसलिए इंसानों की तरह रखा है। ओ भैया सिंह। हाँ पाजी क्या हूँ? और डंगरा वाले डॉक्टर के पास ले जाना राजप्रीत। जी पाजी ठीक है। संभाल के जी संभाल के, ये तो हमारे कार का संस्कार है जी। हाँ जी हाँ जी जी, हम तो जानवरों को भी परिवार का हिस्सा समझते हैं। देखा जाए तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं। जी कोई फर्क नहीं है सिवाय कपड़ों के। ओए आप तो बंदों को भी बांध के रखते हैं जी। बेबे है हमारी, इन्हें भूलने की बीमारी कहीं भी निकल जाती है, इसीलिए जरा मिलो। कौन है पुत्र? बेबे मेहमान है साडा। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह खातिर करी, मेहमान भगवान हुंदा है। खाना खा ले। हाँ चले। ऐसा है, पिछले 15 सालों से हम इस ब्रोकरी के धंधे में है, दिल्ली से फिरोजपुर और फिरोजपुर से फगवाड़ा। नहीं जी थैंक यू। सब बड़ा बड़ा मंत्री हमको हेलो करते हैं, इस एरिया का जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री देख रहे हैं ना, सबका ब्रोकरी हमने किया है। परमिशन दिलवा दो और कमीशन बोलो, तुम्हारी इस इलाके में चलती है, इसलिए हम 15% कमीशन का ऑफर देते हैं, समझे? नहीं तो किसी भी एरिया का गुंडा मवाली को हम 10% में निपटा देते हैं। मक्खन दे जरा। ये इस घर की बहू है, ये स्वीटी टोनी दी वाइफ, और ये पोली टीटो दी वाइफ। हमें लगा इस घर की नौकरानी है। अच्छा माता जी नमस्ते। अच्छा पुत्र फिर आई। खोता सिंह कितने जा रहे हैं तू? भैंसों को कौन नहीं लाएगा? तेरा फियो? अरे मैं खोता सिंह नहीं हूँ, हाथ छोड़िए मेरा। ओए बेबे को दौरा पै गया है, जब कोई अजीब सी आवाज सुन लेती ना, जब वो मोंटू स्कूटर चलाता है तो दौरा पै जाता है, भैंसों को हम नहला लेंगे। आप चलो चलो चलो। बिना नहलाए कैसे जाएगा तू? अरे वो क्या है जी कि खोता सिंह हमारा चौकीदार था, बेबे आपको वही समझ रही है खोता सिंह। ओ इससे पहले आपसे सफाई कराए ना, आप चल पड़ो यहाँ से बस। मेंटल कैसा मेंटल, अस्पताल में भर्ती कराओ। हुई जबान और घर पे आए हुए मेहमान की हम बड़ी इज्जत करते हैं। अरे गलती अरे बिट्टा, ये कार हमारी माँ है, इसके अंदर हम खून खराबा नहीं करते। वरना हमने इसे तभी मार देना था जब इसने संधू खानदान की शराफत का मजाक उड़ाया। ओ टिटो जी पाजी ले जा रहे से खामखा रौला पा रहे साला। सतनाम वाहे गुरु, 49 हो गए बिल्लू पुत्र, बहुत जल्द हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी मामे, एक बार वो रंधावा का पुत्र सामने आ जाए ना बस। Oh.
ओए चल भाई तशरीफ चख ले, 16 नंबर मेरा है। टिकट कहाँ है दिखाइए। ओए तू रेलवे में टीसी लगा है? टिकट कहाँ है? बड़ा चौधरी बना फिरदा है, चलो कहीं और बैठ जा। अच्छा ए, ए, ये क्या कर रहे हो सरदार जी? प्यार से बात नहीं कर सकते? ओए गोद में बैठ गया सरदार, और कितना प्यार दिखाएगा, चल दफा कर खुद को। लगता है माँ ने कोयले खा के पैदा किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से चेक कीजिए ना। ओ ये पटोला कौन है? नाम तो है आपका। ओ जरा पलटो जी, पलटो पलटो। हाँ देख लो अभी तक चार्ट भी नहीं लगाया है। थोड़ा जाओ और। ओ थोड़ा थोड़ा। ओ यार हटो ये। हाँ जी थोड़ा जी। ओ उधर नहीं, थोड़ा जा पलटो। क्या भारी पीस है। आ जाओ जी यही ट्रेन है आपकी। अच्छा 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 यही डब्बा जी आपका। आ जाओ जी, ये सामने की सीट भी खाली है। अच्छा ओए ट्रेन चल पड़ी। ओए रुक जाओ। ओए कुड़ी रह गई यार। रुक जाओ रुक ओए। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ। मैं तो उसकी मदद कर रहा था। चल झूठा, हेल्प करनी थी तो चेन नहीं खींच सकता था। हद दो जी हद दो। चांस मारने का मौका चाहिए तुम लोगों को बस। मैं क्या कीता? यही खड़ा रहेगा कि अब अंदर भी आएगा? चल ट्रेन लेट करा दी खामोखा।